आज मेरा भाई है वो घर जा रहा है, ये उसी का ही सामान है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ये आपको बताऊंगी। तो ये मेरा भाई जा रहा है आज, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ अपने लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं पीते हैं, उनको नहीं पसंद है चाय पीना। वो चाय कॉफ़ी कुछ भी नहीं पीते हैं। तो मेरी गर्मा गर्म जो चाय है वो बन चुकी है, अब मैं इसको एंजॉय करूँगी, मतलब पीऊँगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल पूनम ब्लॉगर। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7 बज रहे हैं और मेरे हस्बैंड आ गए नाइट शिफ्ट करके, तो मैंने उनको ब्रेकफास्ट दे दिया है, तो अब वो खा के रेस्ट कर रहे हैं। तो मैं अपने लिए चाय बना के लाई, क्योंकि वो चाय नहीं पीते हैं, तो मैं अपने लिए बना के लाई हूँ, तो मैं पी रही हूँ। और ना कल मेरा भाई गया था, काफ़ी टाइम यहाँ पे रहा मेरे साथ में, तो मुझे अच्छा लगा। अब वो गया तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। कल तो मैंने कुछ रिकॉर्ड किया ही नहीं और कुछ भी मन ही नहीं हो रहा था करने का, तो मैं लो भी फील कर रही थी, तो इसीलिए नहीं किया। तो चलिए मैं चाय पी लेती हूँ। और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पे मैं गरम मसाला बनाने जा रही हूँ। मैं कभी कभी बना लेती हूँ घर पे ही, क्योंकि उसका जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा आता है, और जैसे बाहर में ही भी लेते हैं लेकिन उसका जो फ्लेवर है वो इतना अच्छा नहीं आ पाता है जितना ये आता है। ये हम अपना घर में बनाते हैं, अपने हिसाब से सारे खड़े मसाले डालते हैं, तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप भी ट्राई करिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगा।
मसाला जो है वो हमारा अच्छे से रोस्ट हो गया है, इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब मैं इसको निकालूंगी और थोड़ा ठंडा कर लूंगी, फिर इसको मैं पीस लूंगी। जा रही हूँ छोले की सब्जी बनाने के लिए, तो मैंने ये कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी है, तो अब हम इसमें तेल डाल देंगे। फिर तेल को हम गर्म करेंगे अच्छे से। फिर हमारा जो तेल है वो अच्छे से गर्म हो चुका है, तो हम इसमें जीरा डाल देंगे। फिर हम इसमें तेज पत्ता डाल देंगे। फिर तेज पत्ता डालने के बाद हम कटे हुए प्याज, बारीक कटे हुए प्याज हैं वो डाल देंगे। फिर हरी मिर्च भी डाल देंगे। फिर उसको अच्छे से फ्राई करेंगे। जो है वो फ्राई हो चुका है, तो अब हम उसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट है वो हम डाल देंगे। फिर अच्छे से इसको भी रोस्ट कर लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो रोस्ट हो चुका है, तो अभी मैंने जो गरम मसाला बनाया था वो मैं एक स्पून डाल दूंगी। फिर मैं इसमें रेड चिली पाउडर डाल दूंगी अपने टेस्ट के अनुसार। फिर मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल दूंगी। फिर मैं अच्छे से इसको मिला लूंगी, इसे पानी भी डाल दूंगी, अच्छे से पका लूंगी इसको। और इसमें ना थोड़ा सा छोले मसाला भी ऐड कर देंगे और फिर इसे भी अच्छे से पका लेंगे। जो है वो हमारा अच्छे से पक चुका है। अब इसमें एक टमाटर मैंने लिया था वो मैंने कद्दूकस कर लिया था, तो उसको भी अब हम डाल देंगे। फिर टमाटर डालने के बाद मैं तुरंत नमक डाल देती हूँ, जिससे जो टमाटर जो है तो अच्छे से पक जाता है जल्दी। मेरा मसाला जो है वो अच्छे से पक चुका है, तो अब इसमें हम छोले जो मैंने एक बाउल लिए हैं वो अब हम डाल देंगे इसमें। फिर हम इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हम वही वाला ऐड करेंगे जो हमने छोले उबालते समय जो यूज़ किया है, उसमें इसका फ्लेवर है, तो वही पानी यूज़ करेंगे।
तो हम इसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है, देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। फिर से चेक कर रही हूँ कि कितना मुझे थिक रखना है, कितना लिक्विड ही रखना है, वो मैं चेक कर रही हूँ। फिर उसके बाद मेरे ये छोले जो है वो बन गए हैं, तो मैं अब इसमें धनिया पत्ता ऐड कर दूँगी। धनिया पत्ता ज़रूर डालना चाहिए क्योंकि उससे ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है।